सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बजाज फाइनेंसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने बजाज से लोन लिया हुआ था और उन्होंने मोरेटोरियम की राहत भी उनसे ली थी। काफ़ी ऐसे कस्टमर बजाज के जिन्होंने ये सोचा था कि उन्हें सिर्फ मोरेटोरियम के बाद अपनी ईएमआई पे करनी है, उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा पे नहीं करना। काफ़ी ऐसे कस्टमर थे जो इस भरोसे में थे। दोस्तों मैं बता दूं कि जिन लोगों ने बजाज कंपनी से लोन लिया हुआ था, जिन लोगों ने मोरेटोरियम की राहत ली थी, उन लोगों की ईएमआई पर बजाज कंपनी ने मोरेटोरियम चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों काफ़ी ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने ये सोचा था कि सिर्फ उन्हें आने वाले महीनों में सिर्फ अपनी ईएमआई पे करनी है, उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। लेकिन उन लोगों की सोच पर दोस्तों बजाज कंपनी ने पूरा पानी फेर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मोरेटोरियम की जो फीस थी वो लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा कि बजाज कंपनी एक ईएमआई पर कितना एक्स्ट्रा पैसा ले रही है और कितना लोगों को परेशान कर रही है। और जिससे दोस्तों आप इस भरोसे में बिल्कुल ना रहो कि आपके अकाउंट में अगर ईएमआई के पैसे डले हुए हैं तो आपकी ईएमआई अच्छी तरीके से पे हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी ईएमआई 2000 रुपये की है और आपने अपने अकाउंट में 2000 रुपये कहीं से करके डाल भी दिए हैं, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपकी ईएमआई टाइम टू टाइम पे हो जाएगी। क्योंकि अगर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया हुआ तो आपकी ईएमआई जो है बाउंस भी हो सकती है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि बजाज कंपनी कितना एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है एक ईएमआई पर। तो और दोस्तों आपको अपने अकाउंट में ईएमआई के साथ साथ कितना एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में अपने अकाउंट में रखना है जिससे आपकी ईएमआई सही तरीके से पे हो सके। दोस्तों वीडियो बिल्कुल पूरा देखें, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में बजाज फाइनेंसर की एप्लीकेशन होती है जो, उसे आपको ओपन करना है। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब आपको जाना दोस्तों बियो ईएमआई कार्ड लोन, यानी कि आपके ऊपर बजाज की तरफ से जितने भी लोन चल रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आपको बियो ईएमआई कार्ड लोन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए आपके ऊपर जितने भी लोन चल रहे हैं वो यहाँ पर शो होंगे। दोस्तों देखिए मेरे ऊपर फिलहाल 2 लोन चल रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि बजाज कंपनी ने जो मोरेटोरियम की राहत दी थी उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज कैसे लगाया है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग इस उम्मीद में थे कि उनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, उनसे सिर्फ उनकी ईएमआई ली जाएगी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि बजाज कंपनी एक ईएमआई पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, जिससे आपको दोस्तों लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आपको एकदम साफ शो होगा कि बजाज कंपनी अपने कस्टमर के साथ कितना गलत कर रही है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको इसकी डिटेल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी जो किस्त है वो 2124 रुपये की जाती है, मंथली किस्त 2124 रुपये की है। अब मैं दोस्तों आपको दूसरी किस्त दिखाता हूँ। ये देखिए एक किस्त मेरी दोस्तों मंथली की 1500 रुपये की जाती है। तो दोस्तों जी दोनों किस्त मेरी 2 तारीख को कटने वाली हैं, 2 अक्टूबर को। तो जब मैंने एडवांस में पे करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अपनी ईएमआई एडवांस में पे कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी अकाउंट में पैसे नहीं होते, जिस अकाउंट से मेरी किस्त कटती है उसमें पैसे नहीं हो पाते या फिर कोई और परेशानी हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ एडवांस में पे करता हूँ। तो मैं आपको दोस्तों एडवांस पे करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कंपनी जो है अपने कितना एक्स्ट्रा पे ले रही है। तो दोस्तों देखिए पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, पार्ट पेमेंट, फोरक्लोजर पेमेंट, एडवांस पेमेंट। तो दोस्तों देखिए मैं आपको एडवांस पेमेंट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एडवांस पेमेंट में एक ही ऑप्शन आ रहा है, जबकि मेरी 2 EMI कटती हैं, लेकिन 1500 रुपये वाली का सिर्फ ऑप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने जे वाली जो किस्त है ये मैंने बिल्कुल भी लॉकडाउन में नहीं रोकी थी, इसकी किस्त मैंने हर महीने पे की थी। तो इसलिए दोस्तों इस पर हम एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन में मैंने इसमें मोरेटोरियम नहीं लिया था, तो मैं इसकी EMI एडवांस में पे कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए एडवांस पेमेंट में दोस्तों मेरे पास जो दूसरी वाली किस्त 2124 रुपये की, उसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पर उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने उस पर मोरेटोरियम लिया हुआ था। अब मैं आपको फोरक्लोजर पर करके दिखाता हूँ, जिसमें हम अपना पूरा लोन क्लोज कर देते हैं एक बार में पैसा भरने के बाद। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम जब कोई भी हमारी किस्त होती है, अगर हम उसे फोरक्लोज पर पूरा पेमेंट ख़त्म करते हैं, तब हमें उतना ही पैसा देना होता है जितना पैसा हम हर महीने देते हैं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एक भी पैसा नहीं लगता। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मैं इस 1500 रुपये वाली किस्त को
एडवांस में पे कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पर कोई मोरेटोरियम नहीं लिया था, इसलिए मैं इसकी 1500 रुपये किस्त भर सकता हूँ एडवांस में, और मुझे सिर्फ 1500 रुपये ही भरने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी दूसरी किस्त है 2124 रुपये वाली, इसको पे करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं एडवांस पेमेंट पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है एडवांस पेमेंट का, सिर्फ हमारे पास वही किस्त हो रही है जो अभी मैं आपको 1500 रुपये वाली दिखा रहा था, क्योंकि मेरे पास इस दूसरी किस्त का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मोरेटोरियम लिया हुआ था, तो इस पर हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों इससे पहले ही मैंने एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितने पैसे एक्स्ट्रा पे किए थे। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ फोर क्लोजर पर, जिसमें हमें अपना अकाउंट एकदम क्लोज करना होता है एक बार में पेमेंट पूरा करके। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम अपनी बजाज की कोई भी किस्त हो, हम उसे पूरा क्लोज करना चाहते हैं, तो हमें उतने ही पैसे देने होते हैं जितने हम मंत्री देते आते हैं, हमें उसमें एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना होता। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि बजाज कंपनी यहाँ पे हमसे कितना एक्स्ट्रा पे ले रही है। तो दोस्तों देखिए, मेरी जो किस्त थी वो 2124 रुपये की थी, लेकिन अभी मैं अगर इसे फोर क्लोजर पर आके इसे ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे इस किस्त के 2742 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि दोस्तों 650-650 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी ये किस्त पे होगी, चाहे मैं इसे एडवांस में पेमेंट करूं या फिर मैं इसे आने वाले टाइम में अपने अकाउंट से कट पाऊँ, मुझे इतना पैसा पे करना पड़ेगा तब जाके मेरी ये किस्त पे होगी। जो दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, जिस सिर्फ मोरेटोरियम देने की वजह से जा रहा है, जो मैंने मोरेटोरियम लिया हुआ था उसका जो चार्ज लगा हुआ है वो इतना एक्स्ट्रा लगाया गया है बजाज कंपनी ने कि कोई भी कस्टमर होगा वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया था कि 2124 रुपये की किस्त थी मेरी, और अभी मैं ऐसे पेमेंट कर रहा हूँ या फिर जो किस्त मेरी 2 तारीख को आएगी अब, तो वो इतने रुपये की आएगी, 2742 रुपये की। तो दोस्तों जी काफ़ी ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं बजाज कंपनी की तरफ से, जबकि जो बताया गया था कि हमसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, हमें सिर्फ उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे जितने की हमारी किस्त है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि 500-600 रुपये एक्स्ट्रा ज़्यादा लिए जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने मोरेटोरियम लिया हुआ था, हमने उनकी किस्त टाइम पर पे नहीं की थी। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि बजाज कंपनी ने इसी 2124 रुपये की किस्त पर मुझसे पिछले महीने, यानी कि जो 2 तारीख निकल चुकी है सितंबर वाली, उसमें कितना एक्स्ट्रा पे लिया था मुझसे। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जिससे आपको लाइव दिख जाएगा कि बजाज कंपनी ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास मैसेज आया हुआ था 29 अगस्त को, क्योंकि मेरी जो किस्त थी वो 2 सितंबर को कटने वाली थी, तो इन्होंने 2-3 दिन पहले ही मैसेज भेज दिया। इसमें दोस्तों साफ लिख रहा है कि EMI एंड मोरेटोरियम चार्ज ऑफ 2294, और मेरा जो लोन नंबर है वो दोस्तों ये दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा हो, देखिए लास्ट में 21-10-60 है, जो ये मैंने आपको दिखाया था 2124 रुपये वाली का। तो दोस्तों लास्ट महीने मुझसे 2124 रुपये की जगह 2294 रुपये लिए गए थे, यानी कि 150-200 रुपये समथिंग एक्स्ट्रा गए थे मेरे। लेकिन दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि अभी मुझसे 2742 रुपये लिए जा रहे हैं, यानी कि हर महीने उनकी अलग अलग तरीके की किस्त आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो चार्ज लगा रहे हैं वो हर महीने एक साथ लग के आएगा, आपको दोस्तों हर महीने एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं। इसमें साफ लिख रहा है कि मोरेटोरियम चार्ज, ये देखिए यहाँ पर साफ शो हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपकी अगली EMI पर कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना है चार्ज का, मोरेटोरियम चार्ज का, जो आपको 2 या 3 दिन पहले ही पता लगेगा, आप पहले से पता नहीं लगा पाओगे कि आपको अगली EMI कितने रुपए की भरनी है, क्योंकि दोस्तों बजाज कंपनी 2 या 3 दिन पहले ही मैसेज भेजती है। ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने पहले ही पता लग जाएगा, जैसे हमें पहले पता लग जाता था कि हमारी जो किस्त है बजाज की वो हमें कितनी पे करनी है, तो हम अपने अकाउंट में उतने पैसे डाल दिया करते थे। लेकिन अभी हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अपने पैसे अपने अकाउंट में कितने डालें जिससे हमारी EMI अच्छे से कट सके। तो दोस्तों अगर आपकी किस्त 1500 रुपये की है तो आप कम से कम 2500 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलें, जिससे आपकी किस्त का जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो उसमें से कट जाए। नहीं तो दोस्तों क्या होगा कि अगर आपकी 1500 रुपये की किस्त है और आपने उसमें 100-200 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए चार्ज के जोड़कर, तो दोस्तों अगर चार्ज ज़्यादा का हुआ तो आपकी किस्त पे नहीं होगी और आप पर बाउंस चार्ज का और एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना एक्स्ट्रा चार्ज भरते रह जाओगे और आपका सिविल स्कोर भी ख़राब हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि बजाज कंपनी हमसे कितना एक्स्ट्रा पे ले रही है, कितने अपने कस्टमर को परेशान कर रही है। दोस्तों अगर आपने अपने अकाउंट में अपनी EMI के पैसे जमा करा दिए हैं तो आप उसमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे जमा कराएँ, जिससे आपकी EMI अच्छी तरीके से पे हो सके।
क्योंकि दोस्तों अगर आपने मोरेटोरियम की राहत ली थी तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा करने पड़ेंगे, क्योंकि बजाज कंपनी खुद नहीं बताती है कि वो आपकी ईएमआई पर कितना एक्स्ट्रा पैसा लेगी, वो आपको 2 या 3 दिन पहले बताएगी, आपको पहले से बिल्कुल पता नहीं होगा। जैसे कि आपको अपनी ईएमआई का पता होता है कि आपको अपनी ईएमआई कितनी पे करनी है, उस तरीके से आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि आपको अगले महीने की ईएमआई कितनी पे करनी है, क्योंकि दोस्तों जो भी चार्ज लग के आता है वो आपको 2 या 3 दिन पहले पता लगती है। दोस्तों ऐसे में आप अपने अकाउंट में 500-600 रुपये एक्स्ट्रा डाल के चलें, जिससे आपकी ईएमआई अच्छी तरीके से पे हो सके, क्योंकि दोस्तों आपने जो मोरेटोरियम की राहत ली थी उसका चार्ज बजाज कंपनी आपके ऊपर लगा रही है, तो आप इस भरोसे में बिल्कुल ना रहें कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। दोस्तों अगर आपने अपनी ईएमआई के पैसे अपने बैंक में डाल दिए हैं तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट डाल दें, जिससे आपकी ईएमआई अच्छी तरीके से पे हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।